अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते होंगे कि देखिए बचपन में एक खेल खेला जाता था, आना टिकली मार के जाना। उसी तरीके से ये जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हों सिर्फ और सिर्फ वोट हमसे लेना चाहते हैं। वोट बचाने की सियासत ये लोग नहीं करते। देखिए हम लोग सिर्फ हम गुलबर्गा नॉर्थ ही नहीं, गुलबर्गा साउथ में भी रहमत नगर और इधर मिल्लत नगर, ये दोनों साइड पे जहाँ पर हम लोग सर्वे करें, सर्वे करने के बाद यहाँ पर पार्ट सिर्फ सिंगल एक पार्ट, एक वार्ड में तकरीबन 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स में क्या है, एक हम पार्ट निकाल कर हम वहाँ पर सर्वे किए। वो सर्वे करने के बाद 1664 ये जो लिस्ट है, ये इलेक्शन कमीशन की पब्लिश लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, जो जनवरी में पब्लिश हुई है, इसको हमने ऑनलाइन निकाल कर इसको ऑनलाइन हम चेक किए। चेक करने के बाद इसके अंदर टोटल 155 वोटर आईडी कार्ड्स डिलीटेड है। ये डिलीटेड क्यों है बोलकर जब हम एक ऑफिसर से जाकर मिले इलेक्शन कमीशन में, जो कॉरपोरेशन में, उनसे मिलने के बाद उन्होंने बोले BLO को जाकर मिलो। BLO से जाकर मिले तो उन्होंने क्या बोले, नहीं इनको जाकर मिलो, उनको जाकर मिलो तो फिर इनको जाकर मिलो। मतलब सिर्फ फिराने का काम हुआ है। उसके बाद हमने जब वहाँ पर लोग जब जाकर पूछना शुरू करे, हम जाकर जब इंटरवीन हुए इसके अंदर, हम पर्सनली जाकर वहाँ पर मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोलते हैं कि BLO का कहना है कि इनका डबल रहने की वजह से डिलीट हुआ है बोलकर बोले। तो हम बोले डबल किधर है बताइए आप बोलकर। तो डबल किधर है बताने के लिए उन्होंने अपने डिटेल मार कर देखे, तो वो जो डबल ID निकाल कर दिए उन्होंने हमारे को, एक ID जिसके अंदर उन्होंने निकाल कर दिए शबाना बेगम बोलकर एक का, तो उनके ID मार के फिर चेक कर रहे हैं हम ऑनलाइन में, वो भी डिलीटेड है। देखिए कोई चीज़ अगर इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई ट्रांसफ़र होता, कुछ लोग बोले, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बोल रहे हैं कि ये डिलीटेड नहीं है, ये ट्रांसफ़र्ड है। ट्रांसफ़र्ड तो YCX नंबर तो वही रहना ना, ऑनलाइन तो बताना ना YCX नंबर वही है बोलकर, टोटली डिलीटेड है वहाँ पर। फिर हम जाकर पर्सनली डोर टू डोर ये सर्वे करने के बाद इनके नेम, इनका आधार कार्ड, एज पर आधार कार्ड एज नेम डेट ऑफ बर्थ पूरी चीज़ें, उनके फादर नेम मारने के बावजूद भी इनका टोटली डेटा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक पार्ट में 155 है। अगर हम चेक करेंगे हर पार्ट में तकरीबन 100-150 ऐसे डिलीटेड बहुत सारे हैं। अब उनको री एप्लीकेशन डालने के लिए इलेक्शन कमीशन के तरफ से नोटिफिकेशन भी डाला गया है और आंगनवाड़ी टीचर्स भी घर घर जाकर कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, जो लोग कॉरपोरेशन इलेक्शन में वोट कर रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड क्यों डिलीट हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसके ऊपर जांच होना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है और सब लोग मिलकर ये डिमांड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ हम लोग ये भी डिमांड ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सियासी जमात को या फिर पॉलिटिकल शख्स को कैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के तरफ से हर वार्ड में BLOs को अपॉइंट किया गया है, उनकी जिम्मेदारी है हर डोर टू डोर जाकर वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन डालना। और लोग भी उन स्कूल्स में जाकर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जाकर आप वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर डालिए, आपका इमीडिएटली वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होगा और आपको वहाँ पर मिलेगा। नहीं तो हम सिर्फ इधर से उधर फिरेंगे, फिर इलेक्शन का दौर आएगा, उसके बाद हम वोट से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए वोट को समझना बहुत ज़रूरी है और तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने वोट के अधिकारों को समझे। जितने भी 18 साल के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जाकर अपना अपना वोटर आईडी कार्ड डालें और जो लोग वोटर आईडी कार्ड अपना है वो भी अपना वोटर आईडी कार्ड चेक करवा ले, कहीं वो डिलीट ना हुआ हो, कहीं वो ट्रांसफ़र तो ना हुआ हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तकरीबन एक साल से वोटर लिस्ट को लेकर कर्नाटका में बहुत सारे डिलीशन और डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट आई हैं। पूरे कर्नाटक में सबसे पहले
गुलबर्गा असेंबली से हम लोगों ने और यहाँ के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने यहाँ पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई बोलकर तकरीबन 6-8 महीने पहले ही हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देकर एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद किया था। लेकिन उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ुद एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ुद कर्नाटक का सरकार इस चीज़ को एक आई वॉश की तरह लेकर बहुत ही मामूली बात इसको समझकर उसको ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हम 2 बार कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात करके मेमोरेंडम दिए कि इस तरह से धांधली हुई है। तकरीबन गुलबर्गा नॉर्थ से 19,000 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गए हैं, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन है और इंडियन डेमोक्रेसी को किल करने वाली एक साजिश है बोलकर हम गुलबर्गा नॉर्थ से बहुत पहले ही मेमोरेंडम दे चुके थे। लेकिन एज़ यूजुअल कर्नाटका सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियस नहीं ली। कुछ हफ्तों पहले जब बैंगलोर में जो 28 असेंबलीज हैं वहाँ पर ये हगरणा वहाँ पर अगर ये वोटर्स का स्कैम आया, डाटा का स्कैम आया, तकरीबन 7 लाख वोटर लिस्ट 28 असेंबलीज में से 7 लाख लोगों का डिलीट हुआ बोलकर जब बैंगलोर में ये इश्यू आया तो पूरे कर्नाटक में ये गर्म हुआ है और बोला जा रहा है कि 27 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है पूरे कर्नाटक में 224 असेंबलीज में से। लेकिन सब लोग एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर दे रहे हैं, किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक्टिविस्ट इसके ऊपर होमवर्क नहीं किए हैं, खाली बोल रहे हैं कि गुलबर्गा नॉर्थ से 19,000 हुआ है, बैंगलोर से 7 लाख हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 70 से 80,000 लिखा, लेकिन किसी के पास भी एक्चुअल डाटा नहीं है। जब हम इलेक्शन कमीशन को जब जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं वो लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं वो लोग घर पर नहीं है इसीलिए डिलीट हुआ बोल के बोल रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के लीडर्स ने ये तय पाया, ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल का जो बूथ आता है पार्ट नंबर 14 इसका हम लोगों ने होमवर्क किया है। जनवरी 2022 में इसका अपडेटेड लिस्ट ऑनलाइन हम लेकर टोटल 1664 वोटर्स थे, इसमें हम लोगों ने इसका लिस्ट को डाउनलोड कर हम इसके पूरे वोटर्स को हम लोगों ने डिटेल में फाइंड आउट किया, इसमें पूरा चेक किया तो इसमें पार्ट नंबर 14 में मालूम पड़ा है कि टोटल 155 वोट्स डिलीट हुए हैं। पार्ट नंबर 14 मिल्लत नगर बूथ का नाम आता है आपका पीर बंगाली हायर प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह से होमवर्क हम लोगों ने किया है और कल हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसको मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये स्पेसिफिक डाटा है, खाली इन्हों बोले उन्हें बोले बोलकर ये डाटा नहीं है, हम खुद हम लोगों ने उसको होमवर्क किया है और घरों को जाके भी चेक किया है कि दूसरी जगह इनका वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या बोलकर। पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन 12 घरों को हम लोगों ने खुद जाकर उनके और कहीं भी वोटर ट्रांसफ़र हुआ क्या वो भी चेक करे तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इनके पूरे ऑलमोस्ट 155 वोट्स पार्ट नंबर 14 से डिलीट हुआ है। हम इनके घर को जाके भी चेक किए हैं कि इनको और दूसरी जगह इन्हों शिफ्ट हुए हैं क्या, उनको कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ, पूरे 155 के 155 लोग अभी भी पार्ट नंबर 14 जो मिल्लत नगर है बुलंद परवाज जो हायर प्राइमरी स्कूल के जो लिमिट में आते हैं वोटर लिस्ट के उसी लिस्ट में अभी भी वो लोग वहाँ पर एड्रेस वहीं पर वहीं पर लोग हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गुलबर्गा कॉरपोरेशन या गुलबर्गा इलेक्शन कमीशन का जो डिवीज़न है इस चीज़ को संज्ञान लेना है, सीरियस लेना है। अब हम यहाँ की वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंटिफिकली स्टडी कर उनको हम लिस्ट दे रहे हैं कि 155 सो एंड सो सीरियल नंबर 4 सीरियल नंबर 34 सीरियल नंबर 33 ये पर्टिकुलर YCX ID ये पर्टिकुलर नाम इन लोगों का नाम डिलीट हुआ है, इसका रीज़न क्या है और इन्हों क्यों डिलीट हुआ है हम इनको मेमोरेंडम पूछने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जब देखते हैं बेंगलुरु के 28 असेंबलीज में जब 7 लाख वोटर्स डिलीट हुए तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल गर्माने की वजह से वहाँ पर बेंगलुरु के 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 19,000 वोटर लिस्ट डिलीट हुए हैं
और हम लिस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई FIR दाखिल नहीं हुआ, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। खाली क्या बोल रहे हैं कॉरपोरेशन में, नहीं वो नॉर्मल तरीके से जो डिलीशन होता है, एडिशन होता है, वो बोल रहे हैं। लेकिन अब हम उनको पर्टिकुलरली ये पार्ट नंबर 14 और 155 का लिस्ट दे रहे हैं। इसमें कौन इसको छेड़छाड़ करे हैं उनके ऊपर FIR होना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। कौन भी इसमें शामिल है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से शामिल है, उनके ऊपर FIR करना है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। अफसोस की बात यह है, रिसेंटली कॉरपोरेशन इलेक्शंस हो गया है, टोटल 54-55 वार्ड्स का कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुआ है, वार्ड के कॉरपोरेटर्स भी इलेक्ट हुए हैं। ये जो वार्ड के जो कॉरपोरेटर्स हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, वोट लेकर इलेक्शन में जीते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि वोट बचाने की भी जिम्मेदारी इनकी है। जब ये वोट लेकर, अवाम का वोट लेकर ये लोग जब जीते हैं, तो सबसे पहला ये लोगों की जिम्मेदारी होती है, कॉरपोरेटर्स की जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, कि वोट भी बचाना भी आपका काम है। और उसके बाद MLA की भी जिम्मेदारी होती है। खाली MLA सिर्फ 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन के टाइम पर काम नहीं करना है, हर साल जब वोटर लिस्ट अपडेट होती है, एडिशन और डिलीशन का काम होता है, हर जनवरी में, हर साल की जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होता है, तो इसके ऊपर हमारे MLAs क्या काम कर रहे हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम कर रहे हैं, मेरे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर्स हैं, ये जो वोटर्स को सेव करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो हम जब जमीनी सतह में देखते हैं पूरा इसका जीरो इसके बारे में एक्टिविटीज़ है। कुछ लोग एक्टिविस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस कह लो, अपने सेल्फ इसमें कह लो क्या बोलते हैं कैंप्स कर कह लो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मौजूदा MLAs को और जो रिसेंटली जो कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर्स जीते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि हर पार्ट में प्रिंटआउट लेकर हर घर को जाए। जिस तरह आप हर घर को जाकर वोट मांगे हैं, वोट की भीख मांगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उस वोट को सेव भी करना, उसको बचा के रखना है। जिस तरह से आप वोट मांगे हैं, उसको वोट बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। हर घर को जाकर किसका किसका वोट लिस्ट में, वोटर लिस्ट में से डिलीट हुआ है, उनको वापस लाने का आपकी जिम्मेदारी है। MLAs की भी जिम्मेदारी है और कॉरपोरेटर्स की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, गुलबर्गा नॉर्थ खासकर, यहाँ से ना MLA सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर, ना जो रिसेंटली इलेक्टेड वार्ड्स कॉरपोरेटर्स हैं उनको इसके बारे में सीरियसनेस है। उन्होंने तो जीत गए, अब 5 से 6 साल तक उनको कॉरपोरेटर्स को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र किसको होनी चाहिए, MLAs को होना चाहिए। तो मेरा MLA से डिमांड है, और जो कॉरपोरेटर जो जीते हैं आपसे भी डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने वोट लेके जीता है, उस तरह से ये लोगों का वोट बचाइए और इनके वोट को सुरक्षित कीजिए। और जो लोग भी ये वोटर लिस्ट में धांधली किए हैं, जिस तरह से बैंगलोर में FIR होकर 4 ऑफिसर्स को अरेस्ट किए हैं, उसी तरह से क्या गुलबर्गा में भी ये वोटर लिस्ट के साथ जो भी छेड़छाड़ किए हैं, जो भी ऑफिसर्स इसके साथ छेड़छाड़ करें, उनको अरेस्ट होना है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है।